किंग्सवे अस्पताल द्वारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा ब्रेस्ट कैंसर पर जन जागृति की गई। इस दौरान हमारी संवाददाता शिदिता देशमुख ने खास बातचीत की है, आइए डालते हैं एक नज़र। अक्टूबर महीना जो रहता है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है अवेयरनेस के लिए विविध प्रोग्राम जो है आयोजन किए जाते हैं और मेडिकल जो फील्ड है उनके द्वारा। आज किंग्सवे अस्पताल द्वारा भी ऐसा ही अवेयरनेस प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर जो भी हमारे साथ है किंग्सवे अस्पताल की, उनसे क्या बताओगे मैम, आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ब्रेस्ट कैंसर जो है इंडिया में इसमें अवेयरनेस बहुत कम है हम देखते हैं, क्या बताना चाहोगे आज के दिन? ब्रेस्ट कैंसर जो इंडिया का डेटा अगर हम देखेंगे तो 28 में से एक महिला को में इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर होता है। जो चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन है उसके लिए भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए हम बहुत जोर देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में मालूम पड़ जाता है तो 90% पेशेंट क्योर हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, कैंसर मुक्त हो जाता है। लेट स्टेज में आने में वही परसेंटेज कम हो के 25-30% हो जाता है। इसीलिए हम अवेयरनेस फैलाने के लिए इतनी कोशिशें करते हैं हमारी तरफ से। अवेयरनेस के लिए जो स्क्रीनिंग है, मतलब कोई भी लक्षण आने से पहले जांच करना और मालूम करना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्क्रीनिंग करने के लिए 2-3 तरीके हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद से अपने स्तन की जाँच करना, जो हर महिला को 21 की उम्र के बाद एक बार महीने में करनी चाहिए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर से, आपके फैमिली डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से अगर आप जानना चाहें तो 6 महीने में एक बार जांच करवानी चाहिए। और हर महिला को 40 की उम्र के बाद में साल में एक बार मैमोग्राफी। जैसे ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी एक कारण है, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री या किसी पेशेंट को चांसेस रहते हैं, या जिस फैमिली में जो मासिक पाड़ी जो जल्दी चालू उन लोगों में रिस्क रहता है, या जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, या जिनमें मेनोपॉज लेट आता है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर से होता है, या जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है उनमें भी ब्रेस्ट रहते हैं, और फैमिली और अल्कोहल इंटेक, जो मैंने बोला था अभी मेट्रो सिटीज़ में अल्कोहल इंटेक अभी फीमेल्स में बढ़ रहा है, लेट प्रेगनेंसीज रहते हैं, और ये सारी चीज़ों से मेट्रो सिटीज़ में, और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते, ये रीज़न से हैदराबाद मुंबई में ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ रहा है। तो ये अवेयरनेस अपन को लोगों में बढ़ाना पड़ेगा कि प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। जैसे मैडम ने अभी बताया था कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग पे जो देखें मैमोग्राफी करना चाहिए। तो हर फीमेल में मतलब 40 के बाद एवरी ईयर मैमोग्राफी और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में एक बार करना चाहिए, उससे आपको कैंसर का अर्ली डिटेक्शन होता है, फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा जाएगा और पेशेंट पूरी तरह क्योर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे सर ने बताया कि फर्स्ट स्टेज में अगर पेशेंट आता है तो वो जल्दी से ठीक हो सकता है, तो चांसेस उसमें रहते हैं। कितनी स्टेज होती है कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की? ब्रेस्ट कैंसर की टोटल 4 स्टेज होती है, 1 से लेके 4 तक। पहले और दूसरे स्टेज को हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4 को एडवांस ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। स्टेज 1 और 2 में लगभग 90% क्योर रेट है, इसीलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम हर साल अक्टूबर महीने में दुनिया भर में मनाते हैं कि हम अपनी महिलाओं को जागरूक करें कि वो जल्द से जल्द अपने स्तन के गठान को डॉक्टर को दिखाने के लिए आए, जिससे कि हम उसे जल्दी डायग्नोसिस कर पाएँ और कम से कम ट्रीटमेंट के साथ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। हमारे समाज में बहुत झिझक और अनअवेयरनेस और काफ़ी दूसरे सोशल स्टिग्मा होने के कारण कई बार ब्रेस्ट कैंसर होते हुए भी महिलाएं काफ़ी लेट आती हैं। लगभग 50% पेशेंट हम एडवांस स्टेज में देखते हैं,
हम वो दिन देखना चाहते हैं जब वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह लगभग 80% पेशेंट अर्ली ब्रेस्ट कैंसर लेके आए। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे बाकी डॉक्टरों ने बताया कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और एनुअल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उसे डायग्नोस कर पाएँ। स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा काम सर्जरी के बाद या सर्जरी के पहले जहाँ कीमोथेरेपी और हार्मोनल और टारगेटेड थेरेपी देना है उसको डिसाइड करता हूँ। तो अगर पेशेंट जल्दी स्टेज में आते हैं तो नए एडवांस ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। वही अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में आता है तो कीमोथेरेपी और की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। साथ में कई टारगेटेड थेरेपीज़ आए हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के, जिससे हमारे रिज़ल्ट पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। और हर दिन हर साल कई नई दवाइयां आ रही कई एडवांस स्टेज के लिए, जिसके कारण उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम बढ़ा सकते हैं। आज हम स्टेज 4 कैंसर पेशेंट को बिना कीमोथेरेपी के कई सालों तक, 5-6 साल तक उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ एकदम नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी की दे सकते हैं। ये सब आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे तो वो आपको लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में भी बताएंगे। मैम, आप क्या अवेयरनेस के तौर पर महिलाओं को संदेश देना चाहोगी? मैं एक पेन और पैलिएटिव केयर कंसल्टेंट हूँ। मेरे पास पेशेंट्स उस समय आते हैं जब उनकी बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाती है, जैसे स्टेज 3, स्टेज 4, और लाइफ में एक लिमिटेशन आ जाती है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं, यंग महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो उस समय मेरे पास आती हैं अपने पेन मैनेजमेंट के लिए, अपने सिम्टम कंट्रोल के लिए। और उस समय हम उन पेशेंट्स के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, जिसमें उनके इमोशनल और स्पिरिचुअल पेन को भी हमें एड्रेस करना पड़ता है। बीइंग अ मदर माई सेल्फ, जब वो महिलाएँ अपने मेरे पास आती हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके अपने खुद के बच्चे होते हैं और ये बीमारी से वो जूझ रही होती हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जिस मानसिक दर्द से वो गुजरती हैं और एक अनसर्टेंटी से वो गुजरती हैं, उस समय मुझे यही लगता है कि काश ये लोग जल्दी आ जाती, क्योंकि दे स्टैंड अ वेरी ब्राइट चांस अगर वो जल्दी आती और जल्दी डिटेक्ट कराती और जल्दी ट्रीटमेंट कराती। ये मंथ इज़ फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, और जितना ये मैसेज सोसाइटी में जाए, हम सबका ये इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ अस टू गिव आउट दिस मैसेज इन द सोसाइटी एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एज ऑल्सो जस्ट सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, टू यू नो रिमूव दिस डिजीज एंड डिटेक्ट दिस एज अर्ली एज पॉसिबल, सो देर आर वेरी ब्राइट चांसेस ऑफ सर्वाइवल। थैंक यू। किंग्सले अस्पताल द्वारा हमेशा की तरह इस बार भी अक्टूबर महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए दी है, अवेयरनेस हो सके, यही उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षति जावेश्वर, PCN News, नागपुर।